हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर गाइस आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री पेज नंबर थ्री पॉइंट वन जीरो टू आर डी शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर सिक्स अनसोल्व क्वेश्चन है अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ फाइव किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक थ्राइज एज मच टाइम इन गोइंग फोर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग फोर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है तो पहले आपको ये यहाँ पे जितने भी वर्ड है स्टिल वाटर क्या है स्ट्रीम क्या है ये अप स्ट्रीम का क्या मतलब है डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है ये सारा आपको पता होगा तो आप इजिल ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तो अब यहां पे देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रखा है तो स्टिल वाटर क्या होता है इफ़ द वाटर इज नॉट मूविंग अगर पानी बिल्कुल भी नहीं बह रहा है यानी कि वो एक जगह स्टॉप है ठहरा हुआ पानी है या फिर जिसकी स्पीड बिल्कुल जीरो है पानी की स्पीड अगर कुछ भी नहीं बह रहा है उसमें तो उसकी स्पीड ज़ीरो है तो उस पानी को हम क्या कहते हैं स्टिल वाटर कहेंगे फिर स्ट्रीम क्या होती है अगर पानी मूव कर रहा है अगर वो बह रहा है उसमें कोई स्पीड है तो वो उसकी क्या कह वो उस मूविंग वाटर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं स्ट्रीम कहेंगे फिर नेक्स्ट अप स्ट्रीम क्या होगा कि ये देखो पानी बह रहा है ये स्ट्रीम है इसका डायरेक्शन तो है इस तरफ और जो हमारी इस पर बोट चल रही है उसका डायरेक्शन है हमारा इस सिर्फ जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट साइड में होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं इफ अ बोट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम देन इट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम मूवमेंट तो इस इस कंडीशन में आपको यहां पे क्या होता है एक बोट की भी कोई स्पीड होगी स्ट्रीम की भी स्पीड होगी दोनों की स्पीड होगी बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी अगर बोट की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो ये पानी के साथ बहकर चली जाएगी तो इसको अगर आग, आगे की तरफ जाना है और पानी का बहाव इस तरफ है तो इसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए तो इसीलिए हम इसी में से सब्ट्रैक करेंगे तो जब भी अप्रीम होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा अब इसमें सब्ट्रैक क्यों करते हैं दोनों स्पीड को सब्ट्रैक क्यों करते हैं अब यहां देखो बोर्ड की स्पीड को मैंने एक्स लिया है और स्ट्रीम की स्पीड को पानी की जो स्पीड है उसको मैंने वाई लिया है तो यहाँ पे क्योंकि अगर बोट को इस डायरेक्शन में जाना है स्ट्रीम हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो बोट अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहती है बट वो नहीं चल पाएगी क्योंकि अगर वाटर यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड 20 किलोमीटर है लेट की इसकी स्पीड 20 है इसकी 30 है तो इतनी स्पीड इसमें से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो थर्टी माइनस ये बोट जो है वो टेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी अब आप इसका एग्जाम्पल ये देखो जैसे आप स्टेट्स पर ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको थोड़ी देर बाद आप थकने लगते हो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के आप अपोजिट जा रहे हो लेकिन जब हम सेम डायरेक्शन में आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की साइड की तरफ आते हैं तो हम इजीली सीढ़ी उतर जाते हैं इजीली स्टेयर से नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी वही है ये इसको अलग इधर खींच रहा है बोट, बोट को और बोट को इधर जाना है तो इसको स्पीड इस ज़्यादा लगानी होगी तब ये यह यहाँ पर होगा फिर नेक्स्ट हमारा डाउन तो डाउन में दोनों का डायरेक्शन सेम होगा यहाँ पर जिधर बोट का डायरेक्शन है स्ट्रीम का डायरेक्शन भी सेम होगा तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप देखो कभी अगर अपने आ, कभी नदी में या कहीं पे आपने स्विमिंग किया अगर वाटर का डायरेक्शन की साइड में अगर आप यहाँ पे स्विम करोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दोनों का डायरेक्शन सेम उस कंडीशन को हम डाउन कहते हैं और इसमें हमारी स्पीड जो भी होगी यहाँ थर्टी होगी पानी की स्पीड अगर टेन है तो, तो हमारी स्पीड थर्टी प्लस क्या हो जाएगी फोर्टी हो जाएगी तो ये यह आपको यहाँ पे ये यह अगर चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद है तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अब एक और बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन ये में भी है और टू द स्पीड ऑफ द सिर्फ स्ट्रीम ही फाइंड करना है तो इस तरह के क्वेश्चन आपके वन वेरिएबल में ही होंगे जहां पे आपको बोट ऑफ द स्पीड इससे जस्ट नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे जहां आपको बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों स्पीड फाइंड करनी तो वहां पर आपको टू वेरिएबल लेना है तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन पे

तो ये हमने जो बोट की स्पीड हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पे राइट कर ली और जो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी थी वो मैंने लेट कर लिया अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अप स्ट्रीम में अगर आपको उतना नहीं समझना है कि किस में कैसे माइनस करना है तो आप सिर्फ ये याद रखो कि अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को सब कर दें अप है तो नीचे लेकर आना माइनस करेंगे डाउन है तो नीचे से ऊपर जाना है तो हम प्लस करेंगे अगर सिर्फ इतना याद कर लोगे कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को अप में सब करना है और इसमें ऐड करना है फिर आपको यहाँ पे क्या इक्वेशन बनाने के लिए मैं कंडीशन दी हुई है कि टेक बोट यानी बोट टेक टाइम इन गोइंग फोर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम स्ट्रीम एज इन गोइंग फोर्टी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि, कि अपस्ट्रीम में वो जितना भी टाइम लेती है उससे तीन गुना टाइम वो डाउनस्ट्रीम जाने में लेती है तो हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको यहाँ पे टाइम क्योंकि हमें हमेशा इक्वेशन में क्या कंडीशन टाइम के लिए दी होगी कि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी देखो ये तिगुनाथ समय लेती है अपस्ट्रीम से के बजाय डाउनस्ट्रीम में जाने में तो टाइम हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ हमने कहीं भी टाइम नहीं फाइंड किया सभी जगह स्पीड है तो हमें पता है कि यहाँ टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता है 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर स्पीड हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया अपस्ट्रीम की स्पीड भी है डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी है तो हम टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो t1 वन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया t2 टू इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया तो इन दोनों के डिस्टेंस सेम है स्पीड अलग अलग थी हमने डिवाइड में अपस्ट्रीम के साथ अपस्ट्रीम और डाउन के साथ डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे लिख दिया अब ये वैल्यू पुट कर लो अपस्ट्रीम के लिए ये तो ये हो गया 40 अपॉन फाइव माइनस एक्स इक्वल टू थ्री इन टू टाइम अप डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है टाइम टू कवर टू फोर्टी का डाउन स्ट्रीम तो ये हो गया फोर्टी अपॉन फाइव प्लस एक्स तो यहां देखो एक ही वेरिएबल में हमारी इक्वेशन बन रही क्योंकि तो एक फाइंड करना तो हम एक ही लेट करेंगे दो फाइंड करना तो हम दोनों लेट करेंगे यहाँ पे हमें बोर्ड का गिवन था तो ये हम लेट नहीं करेंगे ना बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो ये देखो फोर्टी से फोर्टी यहाँ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा नहीं तो आप फोर्टी यहाँ पे न्यूमरेटर में जब आप सॉल्व करोगे तो ये डिनोमिनेटर uh, में आ जाएगा जब ट्रांस

फोर्टी इंटू वन अपॉन फाइव प्लस एक्स तो मल्टीपल में से मल्टीपल कैंसिल हो जाए नहीं तो यहाँ पे ट्रांसफर करके और इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हो ये एक्सप्लेन ये भी समझाने के लिए ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दिया अब आप क्रॉस मल्टीपल कर लो तो ये फाइव प्लस एक्स वन से मल्टीपल होके फाइव प्लस एक्स हो जाएगा और ये थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स हो जाएगा तो दिस सिंपलाइज फाइव प्लस एक्स इक्वल टू फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू एक्स हमारा थ्री एक्स हो गया एक्स की वैल्यू चाहिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो फाइव को इधर कर देते हैं। तो माइनस थ्री एक्स उधर जाके प्लस थ्री एक्स हो गया प्लस एक्स यहाँ पहले से ही फिफ्टीन प्लस फाइव इधर आके माइनस फाइव हो गया तो थ्री एक्स प्लस एक्स हमारा फोर एक्स हो गया फिफ्टीन माइनस फाइव हमारा टेन हो गया दिस एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू चाहिए फोर मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा टेन बाई फोर हो गया टू के टेबल में टू टाइम फाइव टाइम तो दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया फाइव बाई टू आप डिवाइड करोगे तो टू पॉइंट फाइव आएगा तो यहाँ आपको जो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही हमें आंसर देना फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू